नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते यार अपने वीडियो पर। बच्चे और बूढ़े को प्रणाम। तो यार प्रॉब्लम ये थी कि अगर यार मेरी भाई मोबाइल ख़राब हो गई थी यार 10 दिन से, लगभग मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था भाई, एडिटिंग नहीं कर पा रहा था। लाइफ की मोबाइल है भैया, भाई जियो की पहली फ़ोन लाइफ थी, 4G फ़ोन निकाली थी वो, भाई मेरी मोबाइल ख़राब हो गई थी यार, उसके लिए सॉरी भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार पहले रियलमी से, तो रियलमी की बुक स्लिम यार लॉन्च होगी इंडिया में विथ 2K डिस्प्ले के साथ यार, साथ साथ में 2K डिस्प्ले भी लगी है, जो कि बोली है 11th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर के साथ। और प्राइस जो मिली गई है समथिंग 46,999 रुपये, मतलब 47,000 रुपये आप खर्च करो और पा लो भैया लैपटॉप्स, दैट इज़ गुड। SD भी लगा है ZTE से, तो ZTE X30 क्या कहते हैं भाई, अंडर डिस्प्ले जो कैमरा है भाई, ड्यूरेबिलिटी चेक की गई थी, तो ड्यूरेबिलिटी में गुड दिखाया गया है भाई। एक यूट्यूबर था, उन्होंने चेक किया भाई, खोल खोल के पूरा खिंच खींच करते 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 जो भी किया था, ओवरऑल एक गुड पर बोला गया है, दैट इज़ गुड, सही है। फिर रियलमी से, रियलमी GT एंड GT मास्टर भाई एडिशन यार लॉन्च होगी इंडिया में, जो कि आप परचेस कर सकते हो 25 अगस्त को। अपनी बहन को अगर गिफ्ट देना है तो बहन से बोलो 3 दिन वेट कर लो, 25 अगस्त को आ रहा है फ़ोन, मैं दे दूँगा आपको। तो भाई प्राइस जो बोलूँगा, प्राइस रियलमी GT की 38,000 रुपये एंड GT मास्टर एडिशन की 30,000 रुपये, दैट इज़ गुड। मोबाइल भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर अगर भविष्य भाई यार रिटर्न कर रहा है फिर से यार US में, जो कि बोला है भैया जो स्मार्टफोन बनाने का भैया कहते हैं जो फैक्ट्री वैक्ट्री थी फिर से खोला जाएगा, फिर से भैया झाला वाला मार के साफ किया जाएगा, गंदगी साफ की जाएगी, फिर से स्टार्टिंग करेगा ओन सिप, दैट इज़ गुड, सही है भैया। फिर एप्पल से, तो एप्पल मैक मिनी यार बोली है पावर्ड बाई M1X चिप के साथ, जो कि बोली है इस साल भी नहीं आएगी, शायद ही अगले साल के लास्ट में होते हुए जी धड़क होते हुए आ जाएगी। फिर भाई ZTE से, तो ZTE के ऊपर पड़ गया इनकम टैक्स, क्योंकि इंडिया वाले इनकम टैक्स पीछे पड़ गए भैया। हाँ, इंडिया में ZTE की भी से इनकम टैक्स पड़ गई है, जो कि बोली है जितने भी स्टाफ है उनके ऊपर शायद टैक्स वैक्स चोरी का मामला आया था, तो उनके ऊपर लगी है केस, एंड रफा दफा करते अभी हम मामला को, हम लोग चलते हैं गेनिश पे। फिर भाई शाओमी से, तो शाओमी MI Mix 4 की अनबॉक्सिंग वीडियो लीक हुई है, जो कि बोली है कि लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन है, दैट इज़ गुड, बट जो अंडर डिस्प्ले कैमरा की ड्यूरेबिलिटी है वो ZTE के अलावा शायद ही अच्छा नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं। फिर गूगल से, तो गूगल पिक्सल 6 सीरीज की बोली गई है भैया, गूगल पिक्सल 6 सीरीज की चार्जर नहीं आएगी जी। हमको इतना गुस्सा आ रहा है कि ये बात कहने को मिल रहा है, क्या कहूँ भाई, यही बात है यार, चार्जर मत दो, ये क्या है चार्जर भाई, ईयरफोन तक मत दो, मगर चार्जर तो यार चार्जर्स में क्या करूँगा, चुकूँगा क्या करूँगा भाई। तो फिर वीवो से, तो वीवो की Y33S यार बोली है, वीवो Y20S है, वीवो Y33S बोली है क्या लॉन्चिंग के लिए तैयार होगी इंडिया में, जो कि बोली है स्पीस की बात करूँगा, Y33 की बात करूँगा, 6.6 समथिंग इंचेस की डिस्प्ले है, 50 MP कैमरा जी है, हेलो जी 80 प्रोसेसर है, दैट इज़ गुड, तो ठीक है। फिर शॉमी से, तो शॉमी MI Mix 4 ली है, एक स्मार्ट चार्जिंग के साथ आएगी, कैपेबिलिटी चार्जिंग के साथ आएगी, तो शायद मैं कहूँगा कि जैसे ऑटो कट मोड तो भाई आजकल के मोबाइल में आने लगी है, शायद इसमें भी फीचर्स सब डालेगी, स्मार्ट चार्जिंग क्या है वो बाद में पता चलेगा। एप्पल से, तो एप्पल 7 सीरीज की बोली है एक रेंडर लीक हुई है, जो कि बोली है चारों तरफ 360 डिजाइन की फोटोज लीक हुई है, जिस तरह मैं सोचूंगा डुअल बटन है एंड रोलेबर बटन है, क्योंकि ये सही है। फिर रेडमी से, तो रेडमी नोट 10 से बोली है एक नए कहते कलर आने वाली भैया कॉस्मिक पर्पल, जो कि बोली है आज से लग गई है इंडिया में, जाके आप परचेस कर सकते हो, 15,000 रुपये प्राइस है, समथिंग मीडिया टेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर के साथ आई है, शायद यही है भैया, नहीं हेलो जी 95 प्रोसेसर है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, बट आप कन्फर्म कर लेना अमेजोन पे जाके। फिर एप्पल से, तो एप्पल स्टार्ट कर दिए भैया रेफर बीस्ट iMac, जो कि वो बोली है कि 24 इंचेस की iMac है वो भैया यूके में सेल लगी है, इंडिया में नहीं, सिर्फ यूके में। फिर वावेश है, तो वावे बोली है कि भैया स्टार्टिंग करने वाली है थर्ड पार्टी स्मार्टफोन्स, जो कि ऑफलाइन स्टोर में थर्ड पार्टी स्मार्टफोन्स बेचेगी, जो कि बैड कैटेगरी में, थोड़ी मतलब लोएस्ट कॉस्ट कैटेगरी में ऑफलाइन स्टोर बेचेगी। फिर ओप्पो से, तो ओप्पो की K9 Pro यार बोली है रीब्रांडेड करके रियलमी GT न्यू आने का चांस है, शायद ही अपने इंडिया में K9 Pro आ सकती है, ये कन्फर्म नहीं है। फिर वन प्लस से, तो वन प्लस नॉट 2 यार रिसीव कर लिया ऑक्सीजन OS अपडेट, जो कि बोली है कि तैयार है भैया, जाइए कैमरा वैमरा अपडेट कीजिए, बड़ा मस्त आया अपडेट, एकदम मस्त। फिर IQ से, तो IQ 8 Pro यार बोली है स्पीस के लिए, जो कि बोली है 120 वाट फास्ट चार्जिंग, 10 वाट रिवर्स चार्जिंग, यस
इसे बोलिए रिवर्स चार्जिंग के साथ आएगी, दैट इज़ गुड। यस 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 50+48+16 बैक कैमरा, $770 की प्राइस है स्नैपड्रैगन 888+ इसके साथ, तो हाफ फिलहाल में ये शायद प्राइस बहुत ज़्यादा ही हो गई है। फिर हेलो ओप्पो से, तो ओप्पो यार बोली है कि भैया ओप्पो बनाने जा रही है मैकबुक चार्जर नहीं यार मैक सेफ, अपना जो नाम ये दिया है भैया मैकबुक, मैक सेफ के नाम से मैकबुक कर दिया ओप्पो, तो यार अच्छी बात है भैया, रियलमी तो मैक डार्ट निकाली है, ये निकालेगी मैकबुक, सही है। फिर जियो फोन से, तो जियो फोन की जो नेक्स्ट जियो फोन आने वाली है बोली है कि वही जियो फोन नेक्स्ट के स्पीस लिख हुई है 3GB रैम अप टू आएगी एंड्रॉयड 11 गो वर्जन के साथ, जी प्राइस है 3,499 प्राइस रखी गई है। मैं बात करूँगा यार प्राइस की तो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ सकता है, एंड अगर बात करूँगा लॉन्चिंग डेट की तो लॉन्चिंग डेट को पता है 10 सितंबर, जाके परचेस कर सकते हो आप 10 सितंबर को। फिर सैमसंग से, सैमसंग गलेक्सी A52 ऐसा कहते हैं यार लैंड कर दिए यूके में, जो कि बोली है 26 सेकंड यार बोली है स्नैपड्रैगन 778G प्रिस के साथ, एंड जो प्राइस है समथिंग 409 यूरो, सही है। फिर MI से, तो MI नोटबुक यार लॉन्च होने वाली इंडिया में, अभी तो आपने सुना था रेडमी नोटबुक 15, अब आ गई है भैया MI नोटबुक, जो कि बोली है 26 अगस्त को लॉन्च होगी अमेजोन पर, रिवील की गई है, अपना टीजर दिया गया है कि अमेजोन पे देखते हैं भैया, ये टीजर है जो आप देख रहे हो। फिर भाई नथिंग ईयर वन से, तो नथिंग ईयर वन भाई कार्ल पाई अपने ट्विटर पे ट्वीट किए थे, जो कि 2 मिनट में सिर्फ बेची गई है 5,000 यूनिट, जो कि सेल की है भैया बहुत ज़्यादा, यस गुडी है। फिर शाओमी से, तो शाओमी यार न्यू बना दिए भैया साओ AI, जैसे गूगल असिस्टेंट रहता है वैसे साओ AI है, तो साओ AI को बोलोगे हम भैया घर जाना चाहते हैं, अब क्या है हाँ मुझे गर्लफ्रेंड दो, ये नहीं मत कहना भैया उसके साथ, हाँ वो मुझे गर्लफ्रेंड दो, वो आएगा यहाँ चले जाओ निकल पहली फुर्सत में निकल। फिर कहीं ऑनर से, तो ऑनर कहते हैं बोलिए भैया कि ऑनर जो प्रमोट किए भैया मैजिक 3 सीरीज की, जो कि बोला है भैया जो बुर्ज खलीफा नहीं रहता है, बुर्ज खलीफा में स्क्रीन चलते रहता है, तो उस पर भैया कहते हैं 10 से 1 तक गिनती करे स्टॉप करके भैया एकदम मस्त ऑनर 3 की एड दे दिया है, एडवर्टाइजमेंट कराया है, बड़ा अच्छी बात है भैया, सही है। फिर भैया रियलमी से, रियलमी हिंट किया भैया जो भाई अभी रियलमी की भाई वो लॉन्च हुई है ZTE मास्टर एडिशन एंड लैपटॉप्स, तो उसमें एक और हिंट दिया गया है रियलमी टैब के लिए, जो कि जल्द ही आने की कामना है, देखते हैं कब आती है। फिर वही लगाते हैं गूगल से, तो गूगल पिक्सल 5 यार लॉन्च होगी भैया US एंड जापान में, इंडिया में नहीं, जो कि बोली है शायद ही, जो कि प्राइस भैया अपने इंडिया के हिसाब से कहूँगा 33,000 रुपये, एंड स्पीस की बात करूँगा स्पीस है स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ, 4680mAh की बैटरी एंड 16+12 MP कैमरा, 8 MP फ्रंट कैमरा, दैट इज गुड, सही है। फिर भाई बिजी एम आई से, बिजी एम आई यार iOS वर्जन रिलीज कर दिया है फाइनली, जो कि डाउनलोड करो भैया कि आप जो iOS वर्जन में रहता है वो पूरा डाउनलोड करके आपको देगा, तो पता है कितना लगेगा 2GB रैम लगेगा, सॉरी 2GB स्टोरेज खाली रहना चाहिए, मतलब 2GB रैम तो आप लो बट स्टोरेज भी खाली होनी चाहिए। फिर जापान से, तो जापान बोला भैया जो मैं भाई अब चिपसेट जो बना रहा हूँ भैया चिप जो बनाया जा रहा हूँ, तो अगर चाइना वाले अगर धक्का दे रहे उसको, मतलब चाइना आगे ग्रोथ कर रहा है जापान पीछे जा रहा है, तो इसी हिसाब से US में भी अगर तो उसको झटका लगने वाला है, शायद ही जापान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ही, तो अच्छी बात है। फिर एप्पल से, तो एप्पल यार कार बोले जो एप्पल की न्यू कार आने वाली है बोली कि यार पेटेंट की है एक नया कहते हैं वर्जन, बोली है कि अगर कैसे चाबी बनेगी कैसे क्या करेगी वो तो आप जिस तरह देख रहे हो वही स्टाइलिश फीचर्स दिया गया वही चीज़ है भैया, क्या क्या रहेगा कैसे करते हमें लग रहा है कोई शायद कनेक्टिविटी रहेगी मोबाइल कनेक्टिविटी समथिंग अलग ही है। फिर वे मोटो से, तो मोटो की G50 सीरीज यार आने वाली है, जो कि बोली है 5G वर्जन में रहेगी एंड डायमेंसिटी 700+ के साथ, दिखते हैं कब आती है। G40 फ्यूजन तो निकली गई है, A20 भी निकल गई अपने इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्राइस नहीं है आप खरीद सकते हो। तो ठीक है यार आज के लिए रखता ही, कल भी नए न्यूज के साथ, बट जाते थे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए एंड आज के लिए गुड बाय के लिए, तो आज के लिए जय हिंद।